जिंदा हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढायका। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। It's written over here, food is for eating and good food is to be enjoyed. Do you agree? Well, I agree. इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं श्रद्धा कपूर एक बार फिर लेकर आई हूँ आपका अपना फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, I know जितना प्यार मुझे है खाने से उतना ही प्यार आपको भी है, इसीलिए तो हर एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपीज जिन्हें खाकर आप खुद मजबूर हो जाए कहने में वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। In order to continue learning from our expert chefs, we are here again at Radisson Blue MBD Hotel, Noida. I must say this place is full of magic. Its authentic taste, peaceful ambiance, and delightful cuisine always give pleasure to the food lovers. Now let's move towards our kitchen. Come, come. Wah, kya taste hai? तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं हमारे महकते हुए फूड कॉर्नर में। यू नो व्हाट कहा जाता है, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट शेफ देन यू नीड टू वर्क विद द ग्रेट शेफ्स। तो चलिए अब काम करने के लिए ग्रेट शेफ के साथ बुलाते हैं हम भी हमारे ग्रेट शेफ को। वेलकम शेफ रितेश नेगी। हेलो व्यूअर्स। हेलो श्रद्धा। हेलो शेफ, व्हाट्स हैपनिंग? नथिंग मच, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ घोटाला व्हिच विल बी हैपनिंग टुडे। घोटाला विल बी हैपनिंग? What do you mean by that? टेंशन में मत आओ श्रद्धा, मैं आज की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। Alright, I thought ऐसा क्या घोटाला होने वाला है शेफ? What do you mean? मतलब क्या घोटाला होने वाला है? क्या प्रिपरेशन से? How is it related? तो आज की हमारी प्रिपरेशन का नाम है कीमा एग घोटाला। वाह, क्या टेस्ट है? वाओ शेफ, जरूर जानते हैं हम इस कीमा एग घोटाला के बारे में। पहले व्यूअर्स जल्दी से फन फैक्ट्स देख के आइए। Do you know? ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च इंडियन डिशेस की जान है। दिस लिटिल वंडर इज पैक्ड विद अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स। ग्रीन चिलीज कंटेन जीरो कैलोरीज, इन फैक्ट दे स्पीड अप वंस मेटाबॉलिज्म। हरी मिर्च में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कैंसर जैसी बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर लोडेड विद विटामिन सी। They are great for eyes, skin and immune system. ये blood sugar level को भी control में रखती है and green chili में होते हैं endorphins जो हमारे mood को boost करते हैं और pain reduce करते हैं. Wow! तीखी तीखी green मिर्ची में इतने सारे benefits. Wow! Chef, अब तो मुझे लगता है ऐसा कि green chilies का intake बढ़ाना पड़ेगा daily life में, no? देख के बढ़ाना श्रद्धा, क्योंकि बताना चाहूँगा ग्रीन चिलीज अलग अलग प्रकार की होती हैं। हाँ, अगर बात करूँ बड़ी मिर्चों की जो कि ज़्यादा अरोमा में ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग होती है बजाय की तीखी तीखेपन से, तो इनको बढ़ा सकते हो। तो वैसे भी आज हम इन बड़ी मिर्चों को अपनी रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। परफेक्ट शेफ, तो घोटाला शुरू करते हैं। बिल्कुल श्रद्धा, तो सबसे पहले ये कीमा घोटाला बनाने के लिए श्रद्धा हमने लिया है ये चिकन मिंस। आप इसको चिकन या मटन किसी भी प्रकार के मीट से बना सकते हैं। जी, ऑयल मैं प्रेफर कर रहा हूँ आज रिफाइंड ऑयल। स्टार्ट करते हैं अपने खड़े मसालों से। तो मैं इसमें डालूंगा बिग कार्डमम, छोटी हरी इलायची और जीरा। यू कैन स्मेल द क्यूमिन एंड टू पुट ऑन सम अनियन टू इट। तो शेफ, जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं, अब आपने व्यूअर्स को और मुझे बता भी दीजिए कि क्या है ये घोटाला। बेसिकली श्रद्धा एंड व्यूअर्स, ये जो हमारी कीमा अंडा घोटाले की जो रेसिपी है, दिस इज मोर इन्फ्लुएंस एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स योर साउथ वेस्ट इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया। ये रेसिपी वहीं से आई है, बहुत ही स्ट्रीट फूड सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है ये। मस्ट इंग्रेडिएंट टू दिस घोटाला रेसिपी इज द एग्स, सो यू हैव टू यूज द एग्स इन द रेसिपी, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ घोटाला। ये प्याज हमारी अच्छे तरीके से भुन रही है, मैं थोड़े से इसमें जिंजर चॉप डालूंगा, थोड़ी सी
ग्रीन चिलीज। इस रेसिपी के लिए श्रद्धा हमारे को अनियंस को अच्छी तरीके से पूरी डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्के क्रंची छोड़ने हैं, हल्के से हमें। हाँ, बिफोर इट गेट्स फुली डन वी विल ऐड चिकन मिंस टू इट। चिकन मिंस के भी बारे में बताना चाहूँगा कि आजकल शॉप्स में रेडीमेड चिकन और मटन मिंस अवेलेबल होता है, तो व्यूअर्स बेटर रिजल्ट्स के लिए हाथ से किया हुआ चिकन मिंस और मटन मिंस ही लें। मशीन से किया हुआ मटन मिंस और चिकन मिंस काफ़ी बारीक हो जाता है, जो कि रेसिपी और डिश को वो बॉडी और वो टेक्सचर और वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पाता। ऑलराइट सर, सो बेसिकली ये मटन मिंस और चिकन मिंस जो निकलता था, जितने भी लेफ्ट ओवर पार्ट्स होते थे, जो भी साइड कट्स बच जाते थे, उसको मिंस मशीन से निकाल के या फिर हाथ से मिंस करके लोग यूज़ करते थे। सो इट वॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज सपोज टू बी अ पुअर्स मैन कट, यू कैन से। ऑलराइट, लेकिन नाउ द टोटल सिनेरियो हैज चेंज। अब आप देख ही रहे हैं जैसे कि हम भी बना रहे हैं जी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशंस एंड वी टॉक अबाउट न्यू रेसिपीज, एवरी शेफ हैज़ टू बी अ लिटिल ओपन माइंडेड। तो उनको मेक श्योर करना होता है कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों से भी एग्जॉटिक और नई चीज़ें बना सकें। बिल्कुल सर, आई कैन सी हम लाल मिर्च डाल चुके हैं, हल्दी डाल चुके हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये जो रेसिपी है श्रद्धा हमारी, ये काफी मसालेदार है। ऑलराइट, तो हम इसमें मसाले, गरम मसाला, वी विल यूज एवरीथिंग एंड वी विल बी वेरी जेनरस इन पुटिंग ऑल द मसालास। ऑलराइट सर, चाहे चिकन मिंस हो या मटन मिंस हो या सोयाबीन मिंस हो, इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉटिक डिशेस बन रही हैं। स्ट्रीट फूड फॉर्मेट में भी ये जो फॉर्मूला है काफ़ी हिट है, हमारे अलग-अलग मेन्यूज में भी आ चुका है। दैट्स गुड शेफ, है ये बहुत स्पाइसी। कीमा हमेशा जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं खाना, और वेजिटेरियंस भी सोयाबीन कीमा बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत इंजॉय करते हैं। मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया है इसमें, अब मैं डालूंगा थोड़े से कटे हुए टमाटर। कीमे को हमें मेक श्योर करना है कि हम अच्छे तरीके से भून लें। ये मोटी मिर्ची, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पूरी होल मिर्ची मैंने जो काट ली थी, मोटे मोटे पीसेस में मैंने ये डाल दिया है। बहुत ही सटल अरोमा देगी ये इस डिश को जी। तो श्रद्धा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये मिंस है, कीमा है, ये कितना चंकी और कितना मीटी लग रहा है जी। ये इसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि ये हमने हाथ से मिंस किया हुआ है, तो इसको हमने काफ़ी दरदरा मिंस किया है, और यही प्रॉब्लम होती है अगर हम इसको मशीन में डाल देते हैं तो बिल्कुल वो एक सॉर्ट ऑफ प्यूरी फॉर्मेट में आ जाता है, जो कि इतना चंकी और इतना बल्कि नहीं लगता है। ऑलराइट, मेरा चिकन कीमा अच्छे से बन चुका है। इसमें टाइम आ गया है कि मैं थोड़ा सा मैं पानी डाल दूं। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ी देर इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगा। सो आई विल कवर इट अप विद द लिड एंड आई विल अलाउ इट टू कुक फॉर सम टाइम। ऑलराइट शेफ, तो व्यूअर्स जैसे कि हम हर एपिसोड में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस बार का क्वेश्चन है आपसे कि हमारे डोमेस्टिक किचन्स के अंदर ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है जो कि बहुत अच्छा थिकनिंग एजेंट होता है। जैसे कि आपने देखा हो, कभी कभी हम कोई भी मटन की ग्रेवी या चिकन की ग्रेवी बनाते हैं, या ऐसी कोई भी इंडियन प्रिपरेशन में ग्रेवीज बनाते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गाढ़ी हो जाएँ, और वो गाढ़ी नहीं हो पाती हैं। तो लास्ट में बेसिकली एक तरीके का शॉर्टकट है, लेकिन वो अगर इंग्रेडिएंट को हम भून के उस ग्रेवी में डालते हैं तो ना ही वो उस ग्रेवी को गाढ़ा करता है, बल्कि उसकी रिचनेस बढ़ाता है और साथ ही में एक बड़ा अच्छा नटी फ्लेवर देता है। तो मुझे जानना है आपसे उस इंग्रेडिएंट का नाम। वाह, क्या टेस्ट है। ऑलराइट श्रद्धा, टाइम टू चेक चिकन कीमा की वो किस स्टेज तक पहुँच चुका है। देखिए, ऑयल हल्का से ऊपर आ चुका है जी, तो इसका मतलब वी आर ऑलमोस्ट देयर। शो करके देख लेते हैं। नाइस चंकी मिंस। पारसी लोग भी काफ़ी बड़े पैमाने में चिकन कीमा, मटन कीमा बनाते हैं, लेकिन वो उसको पाव के संग खाते हैं। ऑलराइट,
सर शेफ, मैं तो देख सकती हूँ कि यहाँ पे कुलचे पड़े हैं, हम कुलचे के साथ खाने वाले हैं, right? हम आज कुलचे के साथ ट्राई करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेट हमने डिजाइन करा है, दैट इज अ स्ट्रीट फूड सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट. ऑलराइट, अदरवाइज गोज रियली वेल विद योर लच्छा ब्रांड आल्सो. हां हां, नाइस. टाइम टू ऐड द बैकबोन ऑफ एनी डिश व्हिच इज सॉल्ट. नाइस. मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी को हल्का सा भून के रखा हुआ है, टोस्ट करके रखा हुआ है, उसको मैं अब लास्ट में डालूंगा. कसूरी मेथी भी डालते हुए हमें वी हैव टू इंश्योर कि हम जरूरत से ज्यादा मात्रा में यूज ना करें, अदरवाइज इट रिजल्ट्स इन द बिटरनेस ऑफ एनी डिश. सो शेफ, वैसे ये हमारी जो कीमा की प्रिपरेशन है, इसी में हम अगर राइस डालते हैं तो हम कीमा पुलाव भी तो बना सकते हैं. ऐसे बहुत ट्रेंड में आजकल कीमा बिरयानी तो बहुत ही ट्रेंड में आजकल. जी एक्चुअली, और वो अदर देन व्हेन यू आर ईटिंग दैट द बोन मटन बोन बिरयानी, तो वो इतनी ज्यादा बल्की नहीं लगती है और बहुत सटल होती है जो कीमा बिरयानी बनती है. जी जी एक्चुअली. अब घोटाला करने का टाइम आ गया है, तो श्रद्धा कैन यू प्लीज पास मी दैट बाउल. तो ये घोटाला करने के लिए जरूरी है अंडे. डू अ बिट ऑफ विस्किंग, थोड़ी सी लेकिन लाल मिर्ची और धनिया जरूर डालूंगा मैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आज हम मसाले काफ़ी जनरसली डालेंगे, क्योंकि हम ये स्ट्रीट फूड फॉर्मेट में बना रहे हैं. मतलब जब तक ऐसे खाने में ना निकले तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट फूड का तो मज़ा ही नहीं है, फन नहीं आता उसको खाने का, फील नहीं आती वो खाने की. बिल्कुल सही. तो देखिए श्रद्धा, इस फॉर्मेट तक हम देख सकते हैं कि हमारे जो चिकन के चंक्स हैं, जो हमारा कीमा है, वो पर है. एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट बट अ थिन ग्रेवी इन देयर. तो ये जो हमारी कंसिस्टेंसी, सही कंसिस्टेंसी की जो कमी है, वो ये अंडा पूरी करेगा. लेकिन बहुत ही ध्यान से अब इसको डालने के बाद मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा. मैं एक बार और इसको लिड से कवर कर दूँगा, थोड़े से कम टेम्परेचर में इसे पकने देते हैं. तो व्यूअर्स, जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे डोमेस्टिक किचन में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट अवेलेबल होता है जिसको डाल के हम अपनी कोई भी ग्रेवी को थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, साथ ही में वो थोड़ा फ्लेवरसम भी होना चाहिए. तो व्यूअर्स, उसका जवाब है नॉर्मल हमारा चक्की का आटा. अगर आप आटे को अच्छे से भून के उसका वो नटी ब्राउन कलर देके उसको पानी में घोल के अपनी ग्रेवीज में डालेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं, लिमिटेड मात्रा में, तो इट विल गिव यू द राइट कंसिस्टेंसी और इट विल ऑल्सो थिकन योर प्रोडक्ट, प्लस इट विल इंश्योर दैट आपका जो असली टेस्ट है जो उस प्रिपरेशन का, वो कहीं लुप्त ना हो. वाह क्या टेस्ट है. चेक कर लेते हैं, जहां तक ये डिश की प्रिपरेशन खत्म नहीं हो जाती है, आप इसके अंदर कुछ भी यूज कर सकते हैं. आप इसके अंदर पुदीने का फ्लेवर डालना है तो पुदीने का फ्लेवर डाल सकते हैं. यू कैन पिक अप सम फ्रेश पुदीना लीव्स फ्रॉम योर गार्डन, यू कैन प्लग इन सम पुदीना, थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रीन चिलीज डालना चाहते हैं स्लिट करके वो डाल सकते हैं, द वे यू वॉन्ट टू ईट. देखिए श्रद्धा, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा एग भी इसमें अच्छे से पक चुका है. अब इसके अंदर मौजूद हैं हमारे एग के चंक्स, वाओ, चिकन के चंक्स, एंड इट्स क्वाइट विजिबल दैट इवन द कंसिस्टेंसी व्हिच वी रिक्वायर्ड फॉर आर एग घोटाला डिश, वी हैव गेन्ड दैट. परफेक्ट. टाइम टू पुट सम मोर कैलोरीज टू इट. ये मेरे पास बटर है, विल पुट सम बटर. As we said, it's up to us. I'm gonna pick up some fresh mint leaves from the garden. Chicken keema egg ghotala is ready to serve now. सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ये कुलचे सेकेंगे बटर में. थोड़ा सा ग्रीन चिलीज डालूंगा ऊपर से, थोड़ा धनिया कटा हुआ, थो सम टमाटोज टू गिव सम एक्स्ट्रा कलर्स, और ये बारीक कतरी हुई अदरक भी. यू नो, ये स्ट्रीट डिशेस के ऊपर
श्रद्धा बरी कटी हुई अदरक का जो अपना टेस्ट है ना, और जो अपनी ग्रीन चिलीज, कच्ची ग्रीन चिलीज का टेस्ट है, दैट इज रियली ऑसम एंड इट रियली रियली कट्स द टेस्ट आउट ऑफ द डिश। हियर यू गो, ये आपका चिकन कीमा घोटाला तैयार है खाने के लिए। वाओ शेफ, बिल्कुल देसी अंदाज में 5-star होटल में हमने इसे पेश किया है, इसे प्रेजेंट किया है। तो ठीक है श्रद्धा, अब हम कुलचे सेकेंगे, जिसके लिए कि हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा बटर। तो अगर आपको सॉफ्ट कुलचा या सॉफ्ट पाव खाना है तो आप इसको बिल्कुल लो हीट में सेकिए। ऑलराइट, हियर वी गो। तो हमारा कीमा, हमारा कुलचा दोनों रेडी है। नाउ टाइम टू डिश इट आउट फाइनली। श्रद्धा, इफ यू कैन पास मी द प्लेट प्लीज। श्योर शेफ, ये लीजिए शेफ। थैंक यू सो मच। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए अनियन स्लाइसेस एज एन अकम्पलीमेंट, लेमन वेजेस, सिका हुआ कुलचा, चिकन कीमा घोटाला के साथ। परफेक्ट। तो चलिए व्यूअर्स, अब इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे बने हैं हमारे कुलचे और हमारी देसी स्टाइल येट 5-star होटल के अंदाज में कीमा। तो श्रद्धा, इस डिश को टेस्ट करके बताइए व्यूअर्स को कि ये घोटाला किस तरीके का घोटाला बना है। बिल्कुल शेफ, बिल्कुल। लेट्स टेस्ट इट। परफेक्ट, हाउ आई वांट इट शेफ। वेरी नाइस शेफ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एग्स का और चिकन कीमा का बहुत अच्छा अमलगमेशन है। सेकेंडली, इसमें कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। एंड थर्डली, जो गरम मसाले इसमें यूज हुए हैं वो उभर उभर के निकल रहे हैं। सो यू नो, परफेक्ट, बहुत अच्छी मील है। जल्दी से इसका रिकैप देखिए। लेट मी हैव मोर। वाह, क्या टेस्ट है। कीमा एक घोटाला बनाने के लिए एक पैन में रिफाइंड ऑयल डाल के उसमें बड़ी इलायची, हरी इलायची और जीरा डालकर अच्छी तरह से भून ले। फिर उसमें चॉप्ड अनियन डालकर और भूने। अब उसमें चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिली, चिकन मिंस डाल के थोड़ी देर और पकाएं। फिर उसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर डालकर उसे अच्छे से भून ले। अब उसमें गरम मसाला, चॉप्ड टमेटोज डालकर और भूने। फिर उसमें चॉप ग्रीन चिली और पानी डालकर पकाएं। उसमें सॉल्ट, कसूरी मेथी डालकर थोड़ी देर और पकाएं। एक बोल में 2 अंडों को फेंट के थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालें और चिकन कीमा करी में ऐड कर दें और ढक कर पका लें। चिकन मिंस करी में बटर और फ्रेश मिंट लीव्स ऐड करें। धनिया से गार्निश करके कीमा एक घोटाला को गर्मा गर्म परोसे बटर में सिके कुलचे के साथ। वाह, क्या टेस्ट है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेट टेस्ट। यहाँ शेफ्स खाना बनाते हैं दिल से। कहा जाता है कि खाना एक ऐसी कला है जो सिर्फ दिल से ही बनाई जाती है। Only on your show, वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। Welcome back to your favorite cookery show, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले शेफ ने हमें सिखाया एग घोटाला बनाना और मुझे वो डिश इतनी पसंद आई कि मैं पूरी प्लेट साफा चट कर गई। You know what? खाने के लिए, फूड के लिए हमारा इतना प्यार देख के शेफ अब हमें एक और बहुत ही अमेजिंग और हेल्दी रेसिपी सिखाने जा रहे हैं, some healthy kebabs. तो चलिए चलते हैं शेफ के पास। वाह क्या टेस्ट है। हेलो व्यूअर्स, वाह क्या टेस्ट है में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट से मुतालिक एक डिश। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि बीटरूट के या तो शेक बनते हैं या सैलेड्स में यूज होते हैं, लेकिन हम उससे कुछ अलग हटकर बनाने वाले हैं। वाह क्या टेस्ट है। सबसे पहले के उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि सब्ज़ी में उसके लिए हमारे पास ये बीटरूट है, उसको हमने जूलियन काटा हुआ है, और ये कैरेट है, इसको भी सेम ऐसे ही आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। इधर ये अदरक के चॉप है, ग्रीन चिल्ली चॉप है,
देसी घी है इसके लिए और मसालों में ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ ज़ीरा, नमक और एक ये इलायची जावित्री पाउडर है मेरे पास और कुछ नहीं है इसके अलावा। और इसकी जो बाइंडिंग के लिए हैं, इसमें बॉइल्ड आलू है ग्रेटेड और रोस्टेड चना पाउडर है, ये गार्निश के लिए मैंने काजू दिए हुए हैं और ये थोड़े से चॉप नट्स किए हुए हैं जो इसमें मिक्स करने हैं, बाकी कोरिएंडर है और आपका ये ब्रेड क्रम है, हल्का सा थोड़ी सी क्रंचीनेस के लिए इसके। तो शुरू करते हैं बीटरूट के कबाब। ज़्यादा इसमें किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं लेकिन एक्चुअली कबाबों का टेस्ट रिफाइंड ऑयल वगैरह से नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसका देसी घी का यूज़ करते हैं। इसके लिए बहुत कम मिकदार में थोड़ा सा हम लोग इसमें देसी घी डालेंगे। क्यूमिन यानी कि ज़ीरा है जो हम डालेंगे इसमें, जैसे कि देख रहे हैं आप ये क्या हल्के से ये जो है ज़ीरा थोड़ा इसका इसमें फ्राई हो चुका है। तो उसके बाद ग्रीन चिल्ली अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, तो हम इसमें इसीलिए डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर हम लोगों को मिल सके थोड़ा भूनने के लिए। उसके बाद इसमें सीधा ये वॉश किया हुआ और जूलियन किया हुआ बीटरूट है जो इसमें हम इसको पोर कर देंगे सब। उसके बाद इसको थोड़ी देर मूव करेंगे। सब लोग जानते हैं कि बीटरूट यानी कि चकुंदर जो है कि खून के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। हल्का सा इसमें नमक डालेंगे ताकि ये थोड़ा जल्दी इसका पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए और भुन जाए। उसके बाद इसमें ये कैरेट डालेंगे हम। कैरेट की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे हम बीटरूट के मुकाबले। इस डिश को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये मुश्किल से आप अगर देखेंगे तो 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो सकती है डिश। और 10 से 15 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। देखते हैं ये शायद तैयार हो चुका होगा। हाँ तो देखिए लीजिए एकदम तैयार है बिल्कुल, इसका पानी रिड्यूस हो गया है और इसके जूलियंस और ये सब गल चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एकदम ड्राई शेप में आ चुका है। इसको जो है ठंडा करने के लिए भी हमें 10 से 5 मिनट चाहिए होंगे, चाहे आप उसको फ्रिज में या फैन के आगे या किसी भी ठंडी चीज़ के आगे रख के इसको ठंडा कर सकते हैं। तो लीजिए इसको ठंडा करने के लिए फिर 5 मिनट का वक्त देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 5-1 मिनट में ठंडा हो जाएगा, तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। तो इसमें बाकी और चीज़ें जो हम इसकी बाइंडिंग और टेस्ट के लिए मिलाएंगे उसमें है ये ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम डालेंगे इसमें। ये थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो हैं ग्रेट किए हुए, वो डालेंगे। उसके बाद ये हल्का सा रोस्टेड चना पाउडर है, इसको डालेंगे। ये नट्स हैं, अब नट्स आपकी चॉइस है कि आपको चाहिए कौन से चाहिए, क्योंकि हर आदमी हर नट्स पसंद नहीं करता है, तो जिस तरह के आप नट्स चाहिए वो आप चॉप करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। फ्रेश कोरिएंडर है, ये टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए भी अच्छा ही होता है, फ्रेगनेंस तो इसकी अच्छी है ही, सब लोग जानते हैं। और ये इलायची जावित्री पाउडर, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए हमारे बीटरूट के कबाब रेडी हैं, बस इनको शेप देके और फाइनल टच देना यानी कि ग्रिल करना बाकी है, तो वो हम लोग अभी करते हैं। इसको शेप आप जैसा देना चाहें, राउंड, स्क्वायर, कटलेट, जो भी आप शेप देना चाहें वो आपके लिए हैं। अब जैसे बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में नाश्ते के लिए या कुछ भी जैसे लंच देते हैं उनको हम, तो उसमें हम ये भी दे सकते हैं
क्योंकि उनको ज़्यादातर बर्गर वगैरह पसंद है, तो ये भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत मुफीद फ़ायदेमंद है, और जो लोग नो ऑनियन नो गार्लिक नहीं हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बगैर किसी प्याज लहसुन के आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब थोड़े से ही इंग्रेडिएंट जो कि घर पे आप लोग मुहैया कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इजीली, और उससे बना सकते हैं। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, एक हेल्दी कबाब आपके लिए तैयार है जो कि अब हम इसको ग्रिल करेंगे। ये मैंने काजू इसकी गार्निश के लिए लिए हैं, टॉपिंग के लिए बस। बोला था आपसे कि देसी घी का यूज़ करते हैं हम लोग, ये देसी घी इसमें डालेंगे। तो अब इसमें हम ये जो हमारे बनाए हुए कबाब हैं वो डालेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट में ये हमारे कबाब तैयार हैं। ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, अब इसको हम निकालते हैं प्लेट में खाने के लिए। ये अब हमारा चकुंदर का कबाब तैयार है, तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इसको खाएंगे तो ज़रूर कहेंगे कि वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। चकुंदर के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी डालकर गरम कर लें, उसमें जीरा, ग्रीन चिली, जिंजर, जूलियन बीटरूट डाल के अच्छी तरह भून लें। उसमें नमक, ग्रेटेड कैरेट डालकर उसे और भूनें और ढककर 15 मिनट तक पका लें। अब बोल में बीटरूट और कैरेट का भुना हुआ मसाला ट्रांसफर कर लें और 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडे किए हुए मसाले में रोस्टेड चना पाउडर, ग्रेटेड पोटैटो, ब्रेड क्रम, चॉप्ड कोरिएंडर, सॉल्ट डालकर मिक्स कर लें और कबाब को राउंड शेप देकर ऊपर से काजू से गार्निश करें। एक पैन में देसी घी डालकर उसे चारों तरफ से पका लें। चकुंदर के कबाब तैयार हैं, उसे गर्मा गर्म परोसें। कहा जाता है अगर खाना दिल से बनाया जाए और उसे दिल से ही परोसा जाए तो उस डिश का स्वाद दुगना हो जाता है। वेल ऐसा ही हमने एक्सपीरियंस किया रेडिसन ब्लू एमबीडी होटल नोएडा के साथ। फ्रेंड्स, आई होप हमारा शो देखकर आप कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस जरूर करते होंगे। Well, if you've got any suggestions, experiences, feedbacks to share with us, you can mail us at whatyourtastehai@gmail.com. So friends, it's a wrap for today's edition. We shall catch you in our next episode. Till then, keep watching DD National. Namaskar. What